न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आज का यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये भी संयोग है कि आज के इस आयोजन से भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की समिट के लिए और उसमें लास्ट माइल बेनिफिशियरी हमारे ऐसे ही किसान भाई बहन होते हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अपने किसान साथियों का भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, पशुधन और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इस विरासत ने भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। इस समिट में दूसरे देशों से जो एक्सपर्ट आए हैं, मैं उनके सामने इन विशेषताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। साथियों, विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़े अधिकांश किसानों के पास या तो एक पशु है, दो है या तीन पशु है। इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। आज भारत के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये सेक्टर रोजगार मुहैया कराता है। भारत के डेयरी सेक्टर की यूनिकनेस आपको अन्य जगह पर शायद ही कभी कहीं मिल जाए। आज वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। साथ ही भारत के डेयरी सेक्टर की इस खासियत को एक और यूनिकनेस से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हमारे डेयरी सेक्टर की दूसरी विशेषता है भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती है और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता।
और ग्राहकों से जो पैसा मिलता है उसका 70% से ज्यादा सीधा किसानों के जेब में ही जाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो ये सारे पैसे सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाते हैं। पूरे विश्व में इतना ज्यादा रेशियो किसी और देश में नहीं है। अब तो भारत में हो रही डिजिटल क्रांति की वजह से डेयरी सेक्टर में ज्यादातर लेन देन बहुत तेजी गति से होने लगी है। मैं समझता हूं भारत की डेयरी कोऑपरेटिव्स की स्टडी, उनके बारे में जानकारी, डेयरी सेक्टर में डेवलप किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया के बहुत से देशों के किसानों के बहुत काम आ सकता है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर की एक और बड़ी ताकत है, एक और यूनिकनेस है, हमारी इंडिजिनस स्पीशीज। भारत के पास गायों की, भैंसों की जो स्थानीय ब्रीड है वो कठिन से कठिन मौसम में भी सर्वाइव करने के लिए जानी जाती है। मैं आपको गुजरात की बन्नी भैंस का उदाहरण देना चाहूंगा। ये बन्नी भैंस कच्छ के रेगिस्तान और वहां की परिस्थितियों से ऐसी घुल मिल गई है कि देखकर कई बार हैरानी होती है। दिन में बहुत ही भयंकर धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, कड़क धूप होती है, इसलिए ये बन्नी भैंस रात के कम तापमान में घास चरने के लिए निकलती है। विदेश से आए हमारे साथी ये जानकर के भी चौंक जाएंगे कि उस समय बन्नी भैंस के साथ कोई उसका पालक, उसका किसान उसके साथ नहीं होता है। वो गांव के पास बने चारगांव में खुद ही जाती है। रेगिस्तान में पानी कम होता है, इसलिए बहुत कम पानी में भी बन्नी भैंस का काम चल जाता है। बन्नी भैंस रात में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर घास चरने के बाद भी सुबह अपने आप खुद घर चली आती है। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है, या गलत घर में चली गई हो। मैंने आपको सिर्फ बन्नी भैंस का ही उदाहरण दिया है, लेकिन भारत में मुरा, मेहसाणा, जाफराबादी, नीली रवि, पंडरपुरी जैसी अनेक जात नस्लें भैंस की आज भी अपने अपने तरीके से विकसित हो रही है। इसी तरह गाय हो, उसमें गीर गाय, सहीवाल, राठी, कांकरेज, थारपारकर, हरियाणा, ऐसी कितनी गाय की नस्लें हैं जो भारत के डेयरी सेक्टर को यूनिक बनाती है। भारतीय नस्ल के ज्यादातर पशु क्लाइमेट कंफर्टेबल भी होते हैं और उतने ही एडजस्टिंग भी। साथियों, अभी तक मैंने आपको भारत के डेयरी सेक्टर की 3 यूनिकनेस बताई है जो इसकी पहचान है। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। लेकिन भारत के डेयरी सेक्टर की एक चौथी यूनिकनेस भी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती, जिसको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। विदेश से आए हमारे मेहमान संभवतः ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है।
भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेंस है, महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव में भी एक तिहाई से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट से जुड़ी सभी महानुभावों से भारत की नारी शक्ति की इस भूमिका को रिकॉग्नाइज करने, इसे विभिन्न वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पर ले जाने का भी मैं आग्रह करूंगा। साथियों, 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। भारत में दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे विश्व के औसत से कहीं ज्यादा है। बीते 3-4 वर्षों में ही भारत के छोटे किसानों ने बैंक खातों में हमारी सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों के खातों में भी आया है। साथियों, आज हमारा फोकस देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। किसान को अतिरिक्त आय, गरीब का सशक्तिकरण, स्वच्छता, केमिकल फ्री खेती, क्लीन एनर्जी और पशुओं की केयर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यानी हम डेयरी सेक्टर को, पशुपालन को भारत के गांवों में ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना, डेयरी सेक्टर का डिजिटाइजेशन और पशुओं का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, इसी दिशा में हो रहे प्रयास हैं। इतना ही नहीं, भारत ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का जो अभियान चलाया है, वो एनवायरमेंट की दृष्टि से तो महत्व का है ही, लेकिन जो भी जीव दया में विश्वास करते हैं, जो पशुधन में उसके कल्याण में विश्वास करते हैं, उनको मालूम है कि प्लास्टिक पशुओं के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है, गाय और भैंस के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है। उस सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बंद करने का, खत्म करने का हमने बहुत लगातार प्रयास आरंभ किया है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर का जितना बड़ा स्केल है, उसे साइंस के साथ जोड़कर और विस्तार दिया जा रहा है। भारत डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है, डेयरी सेक्टर से जुड़े हर पशु की टैगिंग हो रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से हम पशुओं की बायोमेट्रिक पहचान कर रहे हैं, हमने इसे नाम दिया है पशु आधार। पशु आधार के जरिए
पशुओं की डिजिटल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, जिससे उनकी सेहत पर नजर रखने के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े मार्केट को विस्तार देने में मदद मिलेगी। साथियों, आज भारत का बहुत बड़ा फोकस पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमशीलता को, एंटरप्राइज को बढ़ावा देने पर भी है। डेयरी सेक्टर से जुड़े छोटे किसानों की ताकत को हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एकजुट कर रहे हैं, इनको बड़ी मार्केट फोर्स बना रहे हैं। अपने युवा टैलेंट का उपयोग हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स में स्टार्टअप के निर्माण में भी कर रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में बीते 5-6 साल में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में 1000 से अधिक स्टार्टअप बने हैं। साथियों, भारत किस तरह अनोखे प्रयास कर रहा है उसका एक उदाहरण गोबर धन योजना भी है। अभी हमारे रूपाला जी ने गोबर का इकोनॉमी में बढ़ता महत्व का वर्णन किया था। आज भारत में पशुओं के गोबर से बायोगैस और बायो सीएनजी बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारी कोशिश है कि डेयरी प्लांट्स अपनी जरूरत की अधिकतर बिजली गोबर से ही पूरी करें। इससे किसानों को गोबर का भी पैसा मिलने का रास्ता बन रहा है। इस प्रक्रिया में जो ऑर्गेनिक खाद बनती है उससे किसानों को खेती के लिए एक सस्ता माध्यम मिल जाएगा। इससे खेती की लागत भी कम होगी और मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी। भारत में आज नेचुरल खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर भी अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है, जिसमें पशुओं की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं कि खेती में मोनोकल्चर ही समाधान नहीं है, बल्कि विविधता बहुत आवश्यकता है। ये पशुपालन पर भी लागू होता है। इसलिए आज भारत में देसी नस्लों और हाइब्रिड नस्लों दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की आशंकाओं को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, एक और बड़ा संकट पशुओं को होने वाली बीमारियों का है। पशु जब बीमार होता है तो एक किसान के जीवन को प्रभावित करता है, उसकी आय को प्रभावित करता है। ये पशुओं की क्षमता, उसके दूध और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों की क्वालिटी पर भी असर डालता है। इसलिए भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फूट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, आज आपके बीच चर्चा करते हुए मैं डेयरी सेक्टर के सामने आई सबसे ताजा चुनौती का भी जिक्र करूंगा। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिजीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर, पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, पशुओं का वैक्सीनेशन हो या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी, भारत पूरी दुनिया के डेयरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के लिए और सभी साथी देशों से सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। भारत ने
अपने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी बहुत तेजी से काम किया है। आज भारत लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए एक ऐसे डिजिटल सिस्टम पर काम कर रहा है जो इस सेक्टर की एंड टू एंड एक्टिविटीज को कैप्चर करेगा। इससे इस सेक्टर में सुधार के लिए जरूरी सटीक जानकारी मिल पाएगी। ऐसी ही अनेक टेक्नोलॉजी को लेकर जो काम दुनिया भर में हो रहे हैं उसको ये समिट अपने सामने रखेगी। इससे जुड़ी एक्सपर्टाइज को हम कैसे शेयर कर सकते हैं, इसके रास्ते सुझाएगी। मैं डेयरी इंडस्ट्री के ग्लोबल लीडर्स को भारत में डेयरी सेक्टर को सशक्त करने के अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की भी उनके बेहतरीन काम और योगदान के लिए प्रशंसा करता हूं। आप सभी का, जो विदेश से आए हुए मेहमान का, मैं फिर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं एक लंबे अरसे के बाद, करीब करीब 5 दशक के बाद, भारत को आप सबका स्वागत करने का मौका मिला, आप सबके साथ विचार विमर्श करने का अवसर मिला, और यहां से जो मंथन से अमृत निकलेगा, इस हमारे अमृत काल में देश के ग्रामीण जीवन के अर्थतंत्र को विकसित करने में, देश के पशुधन के सामर्थ्य को और मजबूत बनाने में और देश के गरीब से गरीब के सशक्तिकरण में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। इसी अपेक्षा और आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your very inspiring and motivating address and guiding the entire global dairy industry. Thanking the Honorable Prime Minister for sharing also his experiential views, which comes.